हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल पंघाल टेक्नोलॉजी। और फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पीएफ से जुड़ी एक इम्पोर्टेंट अपडेट के बारे में। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जो मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियोज हैं उनका नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे। तो फ्रेंड्स, मैंने अपनी एक वीडियो में बताया था कि जब आप अपने यूएन में लॉगिन करते हैं और अगर आप एबीआरवाई का बेनिफिट आपको मिल रहा है और आपकी कंपनी अगर एबीआरवाई बेनिफिट ले रही है, तो जो आपका यूएन है वो लॉगिन करते टाइम आपको दिख रहा है अकाउंट इज डिसेबल्ड, उस केस में मैंने आपको बताया था कि आप अपना पीएफ बैलेंस चेक कर सकते हैं, अपना जो पासवर्ड है उसको आप रीसेट कर सकते हैं। बट मेरे को कुछ कमेंट्स मिल रहे थे उस वीडियो के नीचे कि हम इस केस में पीएफ से एडवांस भी निकाल सकते हैं। तो फिर मैंने उनसे बोला था कि पहले मैं एक बार कन्फर्म करता हूँ पीएफ डिपार्टमेंट से, तभी मैं इस पर कुछ आपको रिप्लाई कर पाऊंगा। उसमें काफी कमेंट्स आ रहे थे, कुछ कह रहे थे नहीं निकाल पा रहे, कुछ कह रहे निकाल पा रहे हैं, कुछ कह रहे हैं कि आप ऑफलाइन निकाल सकते हैं, कुछ कह रहे थे कि आप एडवांस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई करने का तो कोई ऑप्शन है नहीं, क्योंकि आप अकाउंट में लॉगिन ही नहीं कर पाएंगे। अगर आप अपने यूएन में लॉगिन नहीं कर पाएंगे तो आप एडवांस या विड्रॉल के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। सेकंड यहाँ पे ऑप्शन बचता है ऑफलाइन विड्रॉल का। तो जैसा कि मैंने कन्फर्म किया है पीएफ ऑफिस से, दो तीन ऑफिस से, तो वहां से ये इन्फॉर्मेशन मिली है कि पीएफ ऑफिस जो है ऑफलाइन क्लेम फॉर्म एक्सेप्ट नहीं करता है। और इस केस में अभी तक ऐसा कोई भी प्रोविजन नहीं आया है कि कोई भी बंदा अपना जो अकाउंट है, यूएन अकाउंट है, उसमें से एडवांस निकाल सकता है ऑफलाइन फॉर्म में। आप फॉर्म 19 के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, 10C के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, आप एडवांस के लिए अप्लाई नहीं कर सकते अगर आपका अकाउंट इज डिसेबल्ड दिखा रहा है। और इस केस में अगर आप एबीआरवाई का बेनिफिट ले रहे हैं, तो यानी कि एबीआरवाई का बेनिफिट आपको मिलेगा, उसी केस में आपका यहाँ पे अकाउंट इज डिसेबल्ड का जो ऑप्शन है वो आपको देखने को मिलेगा। अगर आपके साथ भी ऐसा है कि आपका अकाउंट डिसेबल्ड है और अगर आप सोच रहे हैं कि आप उस अपना पीएफ है उसमें से अगर आप एडवांस निकालना चाहते हैं, तो आप नहीं निकाल सकते हैं, ना ही ऑनलाइन ना ही ऑफलाइन। हाँ, लेकिन कुछ यहाँ पे मेरे को कुछ परसेंट ऑप्शन यहाँ पे दिया गया था कि अगर कोई मेंबर ज्यादा उसको प्रॉब्लम है, कुछ नीड है, कुछ इमरजेंसी है, तो उस केस में वो कंपनी से लेटर लिखवा के अपना एडवांस फॉर्म भर के और उसके साथ में कैंसिल चेक लगा के अप्लाई कर सकते हैं। बट उसमें चांसेस बिल्कुल कम है, क्योंकि किसी ने भी ये कंफर्म नहीं किया है कि ऐसा कोई भी केस अभी तक नहीं आया है ऐसा एबीआरवाई बेनिफिट का जिसमें अकाउंट डिसेबल्ड है और किसी ने एडवांस निकाला हो ऑफलाइन या ऑनलाइन किसी भी तरीके से। ऑनलाइन से तो निकलेगा ही नहीं है ऑब्वियसली, ऑफलाइन से भी अभी तक ऐसा कोई क्लेम नहीं आया उनके पास जो उन्होंने एक्सेप्ट किया हो और उनका एडवांस का फॉर्म एक्सेप्ट किया हो। तो फ्रेंड्स, ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। अगर आपका यूएन अकाउंट डिसेबल्ड है, आपको एबीआरवाई का बेनिफिट मिल रहा है, तो आपके लिए यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि आप 2 साल तक अपने पीएफ से ना एडवांस निकाल सकते हैं ना विड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि आपका अकाउंट डिसेबल्ड दिखा रहा है, आपको एबीआरवाई का बेनिफिट मिल रहा है। उस केस में अभी तक पीएफ डिपार्टमेंट ने ऐसा कोई प्रोविजन नहीं किया है कि ऐसे बंदे जिनका अकाउंट डिसेबल्ड है, अगर उनको पीएफ का पैसा निकालना है, कुछ एडवांस अगर निकालना है, तो वो कैसे निकाले। मे बी इन फ्यूचर इसमें कुछ ऑप्शन आ सकते हैं, क्योंकि 2 साल का काफी लंबा टाइम होता है। अगर किसी को नीड है, किसी को जरूरत है, अगर उनको पीएफ का पैसा निकालना है एमरजेंसी में, तो वो कैसे निकाले। तो हो सकता है इन फ्यूचर इसका कुछ प्रोविजन आ जाए, बट अभी तक ऐसा कोई भी यहाँ पे सोल्यूशन नहीं मिला है जिससे इस केस में आप पीएफ से अपना एडवांस का पैसा निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो इसको लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि जिनका ये कंफ्यूजन है कि आप यूएन अकाउंट डिसेबल्ड होने के बाद एडवांस निकाल सकते हैं, उनको ये क्लियर हो जाए कि आप अकाउंट डिसेबल्ड वाले केस में ऑफलाइन या ऑनलाइन किसी भी तरीके से अपना पीएफ का पैसा नहीं निकाल सकते हैं 2 साल तक। फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी और नेक्स्ट टॉपिक आपको किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।